प्रयोग करके अत्यंत सुख की प्राप्ति हो रही है। ये सुंदरी कौन है? मुझे इस प्रकार क्रोध से ना देखो सुंदरी, क्रोध में तो तुम अधिक सुंदर दिखाई देती हो। मैं ये सोचता था कि मैं अपने शत्रुओं को समाप्त करने के पश्चात जब ये इस लोक का सम्राट बन जाऊंगा तो मेरी सम्राटनी कौन होगी, परंतु तुम्हें देखने के पश्चात प्रश्न और सोच दोनों समाप्त हो गए। आओ मेरे पास आओ। मैं इंद्र को भस्म करके तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन पे बिठाऊंगा। दुष्ट भस्मासुर, पार्वती हमारी अर्धांगिनी है और तू हमारा सेवक, वो तुम्हारी माता समान है। इन पर क्रूर दृष्टि डालने का परिणाम जानता है, हम तुम्हें इसी समय भस्म कर देंगे। भस्म करने का काम जब तुम करते थे ओ युग गया भस्मधारी, अब भस्म करने का काम मैं करता हूँ। इससे पहले तुम मुझे भस्म करो, मैं ही तुम्हें भस्म करके इस सुंदर को अपना बना लेता हूँ। प्रभु प्रभु अपनी रक्षा कीजिए प्रभु। भस्मासुर से जैसे तैसे बचकर भगवान शिव पेड़ बनकर छिप जाते। भगवान विष्णु के पास जाकर सहायता मांग लेते। तभी भगवान विष्णु एक सुंदर नारी का रूप धारण करके भस्मासुर के सम्मुख पहुंच। बनाकर जगत का सर्वोत्तम सुख को भस्मासुर मुझसे विवाह करके भस्म करने के इस झंझट से सदा के लिए मुक्त हो जाओ। तुम तो अनुपम सुंदरी हो, मैं तुमसे अवश्य विवाह करूंगा और इसी समय विवाह करूंगा। तो रुको भस्मासुर, हमारी कुलीति ये है कि विवाह से पूर्व अपने कुल देवता के सम्मुख नृत्य गान करके उन्हें प्रसन्न करना पड़ता है, नहीं तो कुल देवता रुष्ट हो जाते हैं और विवाहित जीवन संकट में पड़ जाता है। नहीं नहीं, हमें संकट में नहीं पड़ना है। ये वरप्रेक्षी हमारे कुल देवता हैं, तुम मेरे होने वाले पति हो। हमारी कुल रीति के अनुसार कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें उसी भांति नृत्य करना होगा जैसे कि मैं करूँगी। Thank you.
जिस प्रकार भस्मासुर ने अपने वरदान और अधिकारों का गलत प्रयोग करके अपने ही विनाश का कारण बन गया, उसी तरह हर मनुष्य अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करके अपने ही